लखनऊ में हुई बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी ने जमकर बाहुबली मुख्तार अंसारी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना कहा कि जो गुंडे सत्ता का सरप्रस्त बनकर सत्ता का संचालन करते थे, आज वे दूसरे राज्य में जाकर अपनी जान की भीख मांगकर वहां मुंह छिपाए बैठे हुए हैं। चार वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर सरकार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी ताकत कहां से पैदा होती है? आप जैसे कार्यकर्ताओं से ताकत पैदा होती है कि नहीं, दंगा नहीं होने देना है, किसी भी स्थिति में अव्यवस्था नहीं फैलने देना है, राजनीति का प्राधिकरण नहीं होने देना है और गुंडागर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है। जो गुंडे सत्ता का सरप्रस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई छिप बैठे हुए हैं। यह सत्ता की धमक है और यह धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। और यह पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शुचिता, जिस पारदर्शिता, जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज तो हर एक स्तर पर ये चेंज दिखना चाहिए। आपको बता दें, यूपी सरकार लगातार पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसे लेकर यूपी की बीजेपी और पंजाब की कांग्रेस सरकार के बीच कई बार बयानबाजी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लाकर उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है, वह कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। न्यूज़ डेस्क।